हेलो गाइस, माय नेम इज सागर गोला और मैं आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, यार मेरे पास ना वेबसाइट है ना लैंडिंग पेज है, बट फिर भी मुझे फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट करनी है या फिर मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है अपनी सर्विस की, अपने बिजनेस की, तो कैसे मैं कर सकता हूँ। तो अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन है तो आज मैं आपको उसका आंसर दूंगा और एकदम करेक्ट वे बताऊंगा कि कैसे आप प्रमोट कर सकते हो विदाउट एनी वेबसाइट और लैंडिंग पेज। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना एक बिजनेस पेज बनाना है फेसबुक के ऊपर, और नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लें कि हाउ टू क्रिएट बिजनेस पेज। बिजनेस पेज क्रिएट करने के बाद दिस इज कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यहीं से भी हो जाता है। देखो, क्रिएट करके पेज पर जाना है और बिजनेस पेज आपका बन जाएगा। प्रॉपर तरीके से देखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड, हाँ, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे कौन से तरीके हैं जो कि आप अपनी एड्स रन कर सकते हैं विदाउट वेबसाइट। तो चलिए यार, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका, चलता हूँ एड्स के अंदर। तो जैसे आप अपना फेसबुक खोलोगे, सो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, क्रिएट पे आ रहा है ऐड का। तो जैसे आप इस ऐड पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, लाइक दिस, देख रहे हो? ठीक है, तो इस इंटरफेस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 2-3 तरीके हैं ऐड रन करने के, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो आप कर सकते हो। एक तो है आपका ट्रैफिक। ट्रैफिक में बाहर से आपको लगेगा वेबसाइट है, बट अंदर 2 तरीके हैं जहाँ पर आप मैसेंजर पे, फेसबुक के मैसेंजर पे लीड जनरेट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हो। 2 तरीके हैं। या फिर एक है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या होता है, ठीक है, एंगेजमेंट में क्या होता है कि अगर आपने कोई पोस्ट डाला हुआ है अपने फेसबुक के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक पेज खोल लेता हूँ, मैं कोई एक मान लीजिए मैंने ये पेज खोला, ठीक है, मेरे क्लाइंट है, तो यहाँ पर अगर इन्होंने कोई भी एक पोस्ट डाला हुआ है, जैसे लाइक देखिए ये पोस्ट डाला हुआ है और इसको मुझे प्रमोट करना है, तो वो आता है आपका बूस्ट इसके अंदर, पोस्ट एंगेजमेंट के अंदर, ठीक है, जो कि आप अपने किसी पोस्ट को बना के बड़े तरीके से आप यहाँ से करना चाहते हो, ठीक है। पर सबसे बढ़िया तरीका है आपका ट्रैफिक। मैं आपको सही बताऊँ, बूस्ट पोस्ट में भी इतना मज़ा नहीं आएगा बिकॉज उसमें भी इतनी एंगेजमेंट नहीं आती है, बट ट्रैफिक में आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन है। कैसे? अब ट्रैफिक मैंने क्लिक करा एंड देन नेक्स्ट। आपसे हो सकता है नीचे कैंपेन वैम्पेन का नाम भी पूछे, लाइक दिस, बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कैंपेन नेम पूछेगा तो आप अपना कैंपेन नेम टॉप पे भी पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव के नीचे भी जाके पूछ सकता है। और यहाँ पर ए बी टेस्टिंग और कैंपेन बजट आएगा, उसको आपको ऑफ ही रखना है, उसको आपको ऑन ही रखना। हो सकता है आपका इंटरफेस और मेरे इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज हो, बट मैं कौन सा समझा रहा हूँ आपको। ट्रैफिक पे क्लिक करना है, कैंपेन नेम इसके नीचे भी आ सकता है, जैसे मेरा टॉप पे आ रहा है, तो कैंपेन नेम में आप कोई भी अपनी कंपनी का नाम देके कुछ भी लिख सकते हो, वो सिर्फ आप ही को दिखाई देगा। एंड देन नेक्स्ट, सिर्फ कैंपेन नेम आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखो 2 तरीके हैं, एक है आपका मैसेंजर, एक है आपका व्हाट्सएप। आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ चला सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बार मैसेंजर पर क्लिक कर देता हूँ। मैसेंजर पे क्या होगा, कोई भी बंदा ऐड पे क्लिक करेगा तो आपके मैसेंजर पे मैसेज कर पाएगा, और व्हाट्सएप पे अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप पे कर पाएगा। तो मैसेंजर पे क्लिक करा, ठीक है, अभी व्हाट्सएप का भी एकदम लास्ट में आऊँगा एक बार दोबारा से, उसमें बस एक ऑप्शन हमें बदलना है, तो बने रहना है, पूरी की पूरी वीडियो देखना। डेली बजट हम मिनिमम से मिनिमम 77 रुपीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। डेली बजट का मतलब है कि आप दिन में कितना देर स्पेंड करेंगे अपने बजट को, मतलब कितने रुपए के आप अपनी ऐड चलाओगे डेली। तो इससे बस सिर्फ होता क्या है, अगर 77 से मान लो आप 500 करते हो या 1000 करते हो तो आपकी रीच बढ़ जाती है, आपकी ऑडियंस रीच बढ़ जाती है। मतलब 77 में हो सकता है कि सिर्फ 1000 लोगों को दिखाएगा, बट अगर आपको 10,000 लोगों को तो दिखाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने बजट को इंक्रीज़ करना होगा, मतलब 500 से लेकर 1000 तक करना होगा। तो वह आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो। स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टार्ट अब से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपको एंड करना है, एंड का मतलब है कि मान लो आपको एक हफ्ते बाद एंड करना है तो आप यहाँ से एंड भी कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से आप हटा भी सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आते हो जो जो ऑप्शन बता रहा हूँ सिर्फ उसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू ऑडियंस। अच्छा एक बताता हूँ, जैसे मान लो ये आपका बजट के ऊपर टॉप पे नहीं आ रहा, तो हो सकता है नीचे आ रहा हो, तो ये पोजीशनिंग कभी ऊपर नीचे हो जाती है, तो ऐसे घबराना मत कि मेरा पहले बजट आ गया फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। बजट हो सकता है कि यहाँ पर ऑडियंस के बाद, प्लेसमेंट के बाद आ जाए, ठीक है, तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। सिस्टम सेम मिलेगा बट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, फेसबुक में ऐसा हो जाता है कभी कभार। उसके बाद आती है ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस हमें छोड़ना है। लोकेशन, अब किस किस लोकेशन में आपको अपनी ऐड शो करनी है, दिल्ली में करनी है, मुंबई करनी है, जैसे आगरा करी हुई है मैंने, तो मान लो मुझे कुछ और भी करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जयपुर, तो यहाँ पर मैंने जयपुर लिखा, तो अब क्या होगा मेरी हर एक जगह पे जहाँ पर जहाँ मैंने सिलेक्ट करा हुआ वहाँ मेरी ऐड रन होगी। अगर आपको कोई डिलीट करना है तो यहाँ से आप क्रॉस करके डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से और ऐड करनी है तो यहाँ से आप और ऐड कर सकते हैं। एज टारगेट कर सकते हो, जेंडर टारगेट कर सकते हो, लैंग्वेज टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज है तो आप यहाँ पर टाइप करके, जैसे पंजाबी, आप पंजाबी टाइप कर सकते हो, मराठी मराठी कर सकते हो। डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग का मतलब किस कौन से इंटरेस्ट के लोगों को आप दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं फूड के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मान लो मैं कोई फूड का बिजनेस है मेरा तो मैं फूड इंटरेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हो। ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसका मतलब क्या है कि आप जिन लोगों ने इस पे इंटरेस्ट ले रखा है उन्हीं लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा, उन्हीं लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मुझे सबको दिखानी है तो यहाँ से आप ये दोनों हटा दोगे, मतलब ब्लैंक छोड़ दोगे। अगर आपको लगता है कि मुझे सबको दिखानी है, और अगर आपको और एक्सपेंड करनी है अपनी ऑडियंस तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो। कनेक्शन को, आपको किस किस को ऐड दिखानी है, जिसने आपके पेज लाइक कर रखा है उसको दिखानी है, फ्रेंड्स जिसने आपका पेज लाइक कर रखा है उसके फ्रेंड को दिखानी है, या फिर जिसने पेज लाइक नहीं कर रखा उसको दिखानी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, सबको आपकी ऐड शो हो। और अगर आपको सारी ऑडियंस को सेव करना है तो यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने टारगेटिंग करी है यहाँ से आप नाम सेव करके यहाँ से आप सेव कर सकते हो, जिससे कि आप फ्यूचर में जब आप कैंपेन बनाएं तो आप सेम यही ऑडियंस को तुरंत सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। सिलेक्ट कहाँ से करते हैं सेव करने के बाद, यहाँ से यूज सेव ऑडियंस है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे आप इनमें से जो भी आपने ऑडियंस के नाम पे बनाई होगी आप जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑडियंस यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर आप नॉर्मली ज़्यादा ऑडियंस आपने कुछ कर नहीं रखा तो सेव करने की नीड भी नहीं है। अब आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपकी जो ऐड है वो कहाँ कहाँ चलेगी। जाहिर सी बात है मैसेंजर पे चला रहे हैं तो फेसबुक पे ही चलेगी, ऑटोमेटिक में हर जगह चलती है, बट मैनुअल भी अगर आप करोगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, तो ये तीन ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से टिक हटा सकते हैं, अगर आपको लगता है इंस्टाग्राम पे दिखाना है तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी चलेगी हर जगह, स्टोरी हर जगह पे, ठीक है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना है तो मुझे यहाँ से टिक हटा देना। अगर आपको सब पे चलाना है तो आप ऑटोमेटिक रख सकते हो। उसके बाद इसको कुछ नहीं छेड़ना। कैसे आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो कि ये ज़्यादा कोई हमारी एड्स पे क्लिक करे और क्लिक करके हमारे पास आए। कब वो आपसे पैसा चार्ज करे, इम्प्रेशन पे या सीपीसी। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। अब जैसे कि मान लो 100 रुपये हमने डेली बजट डाला, बट पर ऐड क्लिक के वो कितने पैसे लेगा। अब जैसे कि आप और आपके कॉम्पिटिटर दोनों सेम कैटेगरी पे ऐड चला रहे हैं तो फेसबुक कैसे डिसाइड करेगा कि किसकी ऐड पहले दिखाऊं। तो जो बंदा ज़्यादा पैसे देगा पर क्लिक के, बजट की बात नहीं कर रहा, पर क्लिक के, आपने बोला कि कोई भी मेरी ऐड पे क्लिक करता है तो मैं 5 पे दूंगा, और आपका कॉम्पिटिटर कहता है कि कोई भी मेरी ऐड पे क्लिक करेगा मैं 7 पे दूंगा, तो फेसबुक पहले उसकी ऐड दिखाएगा 7 वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप कह रहे हो सीपीसी से जब कोई मेरी ऐड पे क्लिक करे तभी मेरे पैसे कटने भी चाहिए, तभी मेरे पैसे कटने भी चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, ठीक है, सीपीसी। बट अगर आप सीपीसी सेलेक्ट करते हो तो आपको मिनिमम जो बजट है वो 100 रुपये लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने 77 लगाया था ना, मतलब अब कोई आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तभी आपका वो मनी जो है डिडक्ट होगा, अदरवाइज वो डिडक्ट नहीं होगा। और इम्प्रेशन का मतलब होता है कि मान लो 1000 लोगों को दिखाया उसने तो फेसबुक आपसे कितना चार्ज करे, मतलब देखने पे पैसा काटेगा और ये CPC पे पैसा काटेगा। तो CPC बेस्ट है, स्टार्टिंग में आपको CPC करना है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला दो तरह की बिडिंग होती है, एक होती है ऑटोमेटिक, एक होती है मैनुअल। ऑटोमेटिक में क्या होता है, फेसबुक खुद डिसाइड करता है कि पर क्लिक वो कितना चार्ज करेगा, मतलब जो बिडिंग चल रही होती है, ऐसे नहीं कुछ भी ले लेगा। तो अगर मान लो बिडिंग चल रही है ₹5 तो वो आपके ₹5 पर क्लिक काट देगा। अगर बिडिंग चल रही है ₹2 तो ₹2 काटेगा, अगर ₹10 चल रही है तो ₹10 काटेगा। फॉर एग्जाम्पल वो ₹5 काट रहा है और आपको लग रहा है कि ₹5 बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ₹2 कर सकते हो। तो आप फेसबुक को कमांड दे रहे हो कि भाई अगर ₹2 की बिडिंग आए, अगर ₹2 की बिडिंग आ रही है तो ही मेरी ऐड शो करो, अदरवाइज मेरी ऐड शो करने की नीड नहीं है, आप मेरी ऐड शो मत करो। ठीक है, तो अभी हम इसको डालेंगे बिकॉज अभी हमें पता नहीं कि कितनी क्लिक आएगी, कितने रुपए का क्लिक आएगा, सिंपल। तो आपको अभी ब्लैंक छोड़ना है स्टार्टिंग के फ्रेजेस पे। ये एस्टीमेट डेली दिखा रहा है कि ₹100 में 700 से लेकर 2200 तक कुछ लोगों को दिखाई देगा और 11 से 31 क्लिक आएंगे। एंड देन नेक्स्ट, यहाँ पर आपका फेसबुक पेज कनेक्ट है और यहाँ से आप इंस्टाग्राम पे अगर चलाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम भी आप कनेक्ट कर लोगे। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है सिंगल इमेज, वीडियो और क्लोजल। सिंगल इमेज का मतलब क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऐड मीडिया के अंदर, नीचे आके यहाँ पर कोई भी एक इमेज पे ऐड करोगे, कंटिन्यू। सो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, फ़ोटो आ जाएगा और प्राइमरी टेक्स्ट जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी लिख दिया मैंने, मार्केटिंग लिख दिया अभी शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया प्राइमरी टेक्स्ट जो आपका ऊपर शो होगा और ये है आपकी हेडलाइन जो कि कनेक्ट टू मैसेंजर लिखा है। आपको इसको लगता है चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया सेंड मैसेज। तो अब कोई भी आपकी ऐड को क्लिक करेगा तो वो कहाँ पर चला जाएगा, वो आपके मैसेंजर पर जाके आपको मैसेज कर पाएगा। और यहाँ पर आपकी आ गई डिस्क्रिप्शन, सिंपल, कॉल टू एक्शन बटन, सेंड मैसेज, क्या करना है, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपको क्या शो करना है, सेंड मैसेज, गेट ऑफर, कॉन्टेक्ट अस, बुक नाउ। ठीक है, इसको आपको कुछ भी छेड़ना, ब्रांड कंटेंट को, मैसेंजर सेटअप, स्टार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड यही है, आपको अभी इन दोनों पे नहीं जाना है बिकॉज यहाँ पर जाओगे तो फिर वो लीड के हिसाब से आपकी चैट को क्रिएट करेगा, आप अपनी चैट क्रिएट कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। सबसे बढ़िया है स्टार्ट कन्वर्सेशन, कि जैसे वो क्लिक करेगा वो अपने अकॉर्डिंग आपको मैसेज कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। एडवांस सेटअप पे भी नहीं जाना आपको, जैसे दिख रहा हो ना, कस्टमाइज द एक्सपीरियंस दैट पीपल सी अ मैसेंजर आफ्टर दे क्लिक ऑन योर ऐड। ठीक है, तो मतलब उससे पहले ही वो कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटी कर पाएगा, मतलब वो इतना खास नहीं है। एडवांस सेटअप में मैंने आपका स्टार्ट कन्वर्जन, तो स्टार्ट कन्वर्जन के बाद जैसे ही हो जाता है आप यहाँ पर इसको पब्लिश करेंगे, ये कैंपेन आपका बन जाएगा। अब मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप की, बस मुझे इस पर क्लिक करना है तो व्हाट्सएप पे आ जाऊँगा। तो व्हाट्सएप पे आने के बाद सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, जो भी आपका, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये पेज ले रहा हूँ, आपको सबसे पहले अपना नंबर कनेक्ट करना पड़ेगा OTP के थ्रू। और अगर मेरे पास कोई पहले से है, मैं देख लेता हूँ जरा, तो यहाँ पर ये नंबर कनेक्ट है। ठीक है, तो पूरा सेम टू सेम आपको वैसे ही रखना है जैसे मैंने अभी बताया, वही सेम। बजट नेक्स्ट करता हूँ मैं। क्रोजल, सिंगल इमेज मैंने आपको दादी, चलो इसमें क्रोजल ला देता हूँ। क्रोजल का मतलब होता है डिफरेंट आप फोटोज़ दिखा रहे हो, जैसे यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर फ़ोटो ऐड करी। ठीक है, क्रोजल का मतलब होता है, देखो ये मल्टीपल आ रही है ना, 1 2 3 4 5, मतलब मल्टीपल दिखा रहे हो आप। यहाँ पर आप हेडलाइन डाल दोगे, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, इसे देखिए मैं कोई भी डाल देता हूँ अभी, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप सेकंड वाली कर दोगे इमेज। ठीक है, सेकंड आ गई। ऐसे आप थर्ड कर दोगे, थर्ड के बाद और डालनी और कर दोगे, और यहाँ पर आप प्राइमरी टेक्स्ट डाल दोगे, देन अगेन, जो कि यहाँ पर शो होगी टॉप पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली ऐड भी आपकी बन जाएगी यहाँ पर व्हाट्सएप। और यहाँ पर सेंड मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन चेंज करने का बटन नहीं है जैसे मैसेंजर पे था। तो अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको व्हाट्सएप वाली चलानी है या मैसेज वाली चलानी है, इस दोनों में वेबसाइट की नीड नहीं है। और आराम से आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और सिर्फ आपको क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है, आपकी जो ऐड है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद रिव्यू में जाएगी, रिव्यू में 24 आवर्स तक रहती है एंड देन आपकी जो एड्स है वो चलना स्टार्ट कर देगी। एंड आई होप आपको समझ में आया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं ऐसे कुछ अपडेट्स के साथ आपके साथ आता रहूँगा फेसबुक की, इंस्टाग्राम की और दूसरे पे। तो जब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।